बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोटक पे। आज मैं आपको बताऊंगी कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता आपकी जन्म तिथि के अनुसार टैरो कार्ड से। शुरू करते हैं मूलांक एक से, यानी कि अगर आपकी जन्म तिथि का जो टोटल है वो एक पे आता है, जैसे अगर आपका जन्मदिन 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 19 को होता है या 28 को होता है, तो आपके लिए आज ये हफ्ता कैसा रहेगा। आप मूलांक एक वालों, ये हफ्ता जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको शुरुआती 3-4 दिन हफ्ते के ध्यान रखना है, किसी पे विश्वास नहीं करना, विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, पैसों की कहीं भी लेन देन नहीं करनी, किसी को भी उधार आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं 7 तारीख तक आपका जो समय है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। 7 तारीख के बाद आपका करियर भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा रहेगा और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हेल्थ में जो दिक्कतें आ रही थी वो इस हफ्ते अच्छी रहेंगी, हेल्थ आपकी सुधर रही है और रिलेशनशिप में भी आपकी मधुरता रहेगी। कुल मिला के हफ्ता जो है आपका अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको इनिशियल 3 दिन जो हफ्ते के ध्यान देना है। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 8 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक दो की, यानी कि जिनका जन्मदिन 2 तारीख को होता है, 11 को, 20 को या 29 को, कैसा रहेगा आपका हफ्ता। आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही थी अब आप उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये समय है नई शुरुआत का, ये समय है एक्शन का, एफर्ट्स लगाने का। जो आप अभी एफर्ट लगाएंगे वो आपको ज़रूर रिजल्ट देंगे। मतलब इस हफ्ते जितना कर्म कर सकते हैं कर्म कीजिए, आपको उसका जो रिजल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आनाकानी मत कीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर के पास जाइए, जहाँ मेडिसिन खाने की ज़रूरत है वहाँ मेडिसिन ज़रूर खाइए। और रिलेशनशिप में भी आपका अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के आपका हफ्ता अच्छा है। लकी डेट जो है वो आपकी 6 अक्टूबर रहेगी। अब बात करते हैं मूलांक 3 की, जिनका जन्मदिन 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को या 21 तारीख को होता है, आपके लिए क्या हफ्ता रहे, कैसा रहेगा हफ्ता। आपने बहुत सा तनाव लिया हुआ है, अपने आसपास के लोगों की परेशानी ले ली है, अपने घर वालों की परेशानी ले ली है। इतना ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचने के कारण आपको तनाव ज़्यादा हो रहा है। हफ्ता आपका अच्छा है, ग्रोथ का हफ्ता है, आगे बढ़ने का हफ्ता है, बहुत तरक्की का हफ्ता है, बट आप ज़्यादा विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए परेशानी ज़्यादा ले ली है। तो उस परेशानी से बाहर आ जाइए, क्योंकि इतना सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे अपने काम में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिला के आपका हफ्ता अच्छा है, बट थोड़ा सा आपको अपने स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 5 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 4 की, जिनका जन्मदिन 4 तारीख को, 22 को, 13 को या 31 को होता है, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपका जो हफ्ता है आपका बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है। सेलिब्रेशन का हफ्ता है, कोई सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है या कोई छोटा मोटा ऐसी गैदरिंग आपके आसपास हो सकती है, छोटे मोटे ऐसे कोई फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं, बट बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है। जो भी काम करेंगे मन लगा के रहेंगे, खुशी से रहेंगे, ये हफ्ता खुश रहने वाला है और आपके हर काम बिल्कुल पूरे होंगे। जो काम उठाएंगे उसको आप पूरा करेंगे। आपका हेल्थ भी अच्छे रहने वाली है और रिलेशनशिप में भी जो तनाव आ रहे थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अब उनके खत्म होने का समय है। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 7 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 5 की, जिनका जन्मदिन 5, 23 या 14 का होता है, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। मूलांक 5 वालों, यह आपका हफ्ता मिला जुला रहेगा। करियर में अच्छा जाएगा बट रिलेशनशिप में तनाव बन सकते हैं। करियर में जो करेंगे अच्छे से करेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी, बट रिलेशनशिप में कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं आपको किसी का झूठ आप पकड़ सकते हैं इस हफ्ते, तो अपने आसपास को लेके थोड़ा सतर्क रहिए। कहीं जो अगर आपसे कोई झूठ बोलेगा तो इस हफ्ते आप उस आप झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, बट जब हम किसी का झूठ पकड़ते हैं दुखी तो हम भी होते हैं। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। करियर में आपका अच्छा है, इमोशनली खुद को मेडिटेशन में रखिए, कहीं पूजा करिए, अगर जहाँ आपका जहाँ भी फेथ है वो भक्ति में हो, मेडिटेशन में हो, वहाँ अपना मन लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो लकी डेट रहेगी मूलांक 5 वालों, आपकी जो लकी डेट है वो रहेगी 8 अक्टूबर।
अब बात करते हैं मूलांक 6 की, जिनका जन्मदिन 6, 15 या 24 को होता है। ये समय है पैसा कमाने का। जितने एफर्ट्स लगाएंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, जितना जहां जहां आप एफर्ट डालेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उनको नए क्लाइंट्स जोड़ सकते हैं, जो जॉब में है उनको प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। बट आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी थॉट रह सकती है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड्स उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट ऐसा है नहीं, ये हफ्ता बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ का हफ्ता है, पैसे कमाने का हफ्ता है। तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। आपको जहाँ दिक्कत है हेल्थ में, हेल्थ में ध्यान कीजिए, ज्यादा ओवर ईटिंग मत कीजिए, कहीं पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस हफ्ते आपको आ सकती हैं। लकी डेट जो है वो आपकी रहेगी 6 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 वालों, जो बहुत देर से बदलाव चाह रहे थे वो बदलाव आने वाला है। जो आपको लग रहा था आपकी लाइफ एक ही समान चल रही है, कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं, अब बदलाव का टाइम है। अब आप अपने पिंजरे से बाहर निकलने का टाइम है, अब बाहर की दुनिया में जाने का टाइम है। ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आप बहुत देर से चाह रहे थे वो आपके साथ अब होने वाला है, बिल्कुल आसपास है। आपकी जो सुनवाई है हो गई हुई है, अब ईश्वर ने आपको जो आप मांग रहे थे आपके पास दे दिया है। साथ वालों, बहुत अच्छा प्लेजेंट चेंज आएगा, चीजें आपके हक में बदलेंगी, रिलेशनशिप में भी आपको जस्टिस मिलने वाला है इस हफ्ते। लकी डेट जो है वो आपकी रहेगी 8 अक्टूबर। मूलांक 8 वालों, जिनका जन्मदिन 8 तारीख को 17 तारीख को 26 तारीख को होता है, आपके लिए कैसा रहेगा हफ्ता? बहुत अच्छा रहेगा। पैसे कमाने का टाइम है, आपके कॉन्फिडेंस रहेगा आप में इस हफ्ते गजब सा। आपको खुद पे भी विश्वास रहेगा, लोग आप पे भी विश्वास करेंगे। आप जो बात कहेंगे लोग उसको मानेंगे। इस समय आप जो भी ऑर्डर देंगे वो कबूल हुआ होगा, तो लोग सपोर्ट देंगे, सपोर्ट मिलेगा, अच्छा जाएगा, खुशी से जाएगा। पैसों कमाने वाला ये हफ्ता है, बट जहाँ ध्यान देनी है हेल्थ, हेल्थ में कहीं लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हो सके थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ के प्रति। काम में बहुत अच्छा जाने वाला है, पैसों में ग्रोथ रहने वाली है, बच्चों संग कोई खुशी मिल सकती है, बच्चे आपको कहीं थोड़ा खुश कर सकते हैं इस हफ्ते। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी मूलांक 8 वालों, वो रहेगी 9 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। अगर आपका जन्मदिन 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 को होता है, तो आपका कैसा रहेगा? आपके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र करिए। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद होगी, बट उसके कारण थोड़ा सा तनाव मत लीजिएगा। आप अपनी लाइफ को दूसरों से जब कंपेयर करेंगे तो उदासी आ जाती है, थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, आप जो कहना चाहते हैं उसको लोग नहीं समझ रहे। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, आपके साथ भी वही बात है। अभी आप मेहनत कीजिए, फल आपको थोड़ा रुक के मिलेगा। इस हफ्ते थोड़ा सा मिला जुला हफ्ता रहने वाला है आपका। रिलेशनशिप में जैसे मैंने बोला उदासी है, तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लड़ाई झगड़े आपस में आपके हो सकते हैं, और अपने से बड़ों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। जितना हो सके अपने गुस्से पे आप काबू कीजिए, गुस्सा कंट्रोल कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बट कुछ भी करके अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी मूलांक 9 वालों, वो रहेगी 7 अक्टूबर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए आपका हफ्ता अच्छा जाए, आपको ये हफ्ते खूब खुशियाँ मिले, आपकी मन की बात हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।